गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कल दिन का ब्लॉग है, बच्चों को जब स्कूल से लेके आए थे उसके बाद का है। बच्चों को थोड़ा बहुत खाना वाना खिलाया, थोड़ा बहुत अपना आराम किए, टीवी वगैरह देखे। मैंने भी थोड़ा बहुत खाना सब खा लिया था दिन का। और यहाँ पर जो है परी क्या डोली ऊपर चढ़ गई है। यहाँ से छोटे मोटे सामान कुछ निकालने थे और ज़्यादा ही भरा हुआ था। जब से हम यहाँ इस क्वार्टर में आए हैं तब से यहाँ रखा हुआ था कुछ कुछ सामान, और बड़े तो हम चढ़ नहीं सकते। यहाँ बैठने का भी नहीं होता है, ऐसे ही झुक के करना होता है। बस डोली परी दोनों आराम से चढ़ गए थे ऐसे। अभी परी नहीं चढ़ी है, डोली चढ़ गई है ऐसे। तो यहाँ निकाल ले रही है जो भी यहाँ पुराने सामान कबाड़ रखा हुआ था, सारा ही निकाल दिया था। और परी भी जिद कर रही थी मैं भी चढ़ूँगी, तो थोड़ा बहुत खाली होने तो फिर उसके बाद चढ़ जाना बोल रही थी। यहाँ पर हिमानी अपना कुछ कर रही थी रूम में साफ सफाई, और इधर जो है डोली निकाले जा रही है जो कुछ भी ऊपर रखा हुआ है पुराने सामान, कुछ बुक्स वगैरह थे। और इसमें हम आग जलाते हैं, बच्चे छोटे थे तो इसमें आग जला के बच्चों को जो है मालिश करते थे। तो अभी सर्दी आ रही है ऐसे, ये तो चाहिए। जो भी हीटर वगैरह है सब कुछ ऊपर रखा हुआ था, और हीटर ऐसे ख़राब हो गया है, ये सब कबाड़ में देना है। और खाना बनाने वाला भी था एक, पापा जी लेके आए थे, वो भी ऐसे रखा हुआ है। वो तो शायद ठीक है ऐसे, लेकिन बहुत तेज़ गर्म होता है कुकर वगैरह चढ़ाओ तो, इसलिए ये जो है यूज नहीं हो रहा है। पहले हम यूज करते थे। इधर डोली पर ही दोनों उतर गए थे, नहा दो लिए थे, उसके बाद जो भी सामान निकला हुआ था वो हम गैरेज छोड़ के आ गए थे। और इधर मैं इधर साफ़ सफाई करने लगी हूँ अभी, यहाँ झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ जो भी जाली लगा है जहाँ पर। और इसमें भी जो है सर्दियों में सीलन होता है तो इसमें पापड़ी बहुत बनता है। अभी भी धूल मिट्टी सा बहुत हो रहा है, झाड़ू लगा रही हूँ तो पापड़ी सन गिर रहा है। तो यहाँ पर पानी भी कमी है, ड्रम भी खाली हो गया है ऐसे। तो यहाँ मैं सही से जाली वगैरह हटा ले रही हूँ पहले, उसके बाद जो है यहाँ साबुन सर्फ वग लगा के मैं डोर हो गया या और दीवार हो गया सारा कुछ मैं थोड़ा सा कर ले रही हूँ ब्रश से, और जल्दी से साफ़ हो जाता है ऐसे ये वाला ब्रश से। सब तरफ अच्छे से रगड़ ले रही हूँ, और जैसे जैसे मैं सर्फ लगाते जा रही हूँ ऐसे ही मैं धोते जा रही हूँ, नहीं तो फिर सूख जाता है, फिर गंदा सा लगता है, साफ़ नहीं होता है, पिचकारी लगाओ फिर भी। तो ये रहा, आप देख सकते हैं जैसे साफ़ कर दिया है, ड्रम भी खाली हो गया है। और ये ना शाम को ही साफ़ कर सकते हैं, सुबह भी कर तो सकते हैं, लेकिन सुबह जो है ये वो पानी भरना रहता है, और बच्चों को भी थोड़ा स्कूल वगैरह तैयार करना छोड़ना होता है। तो मैंने शाम को ही कर दिया था, ड्रम भी खाली हो गया था। तो और ये रबड़ा वाला स्टैंड भी मैंने साफ़ कर दिया है, एकदम चमका दिया था। और इधर जो है हम थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा मैंने चाय बना लिया था। और बालकनी में सारे ही बाप बेटी माँ बेटी बैठे हुए हैं, और यहाँ जो लड़ी वगैरह जल रहा है वो सब देख रहे थे, सही नहीं जल रहा है कर रहे थे हस्बैंड जी, अरे ठीक ही जल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है बोल रहे थे। मैं हम लोग तो ऐसे क्लियर नहीं दिख रहे हैं, लाइट से बस थोड़ा बहुत दिख रहे थे। और यहाँ जो है हम रात को मिल रहे हैं आप सबसे, डोली परी दोनों भी हैं मेरे साथ। और यहाँ पर जो भी पुराने सामान है, बच्चों का माला हो गया, जन्माष्टमी में करते हैं राधा वगैरह बनते हैं ना, तो वो और ब्रेसलेट हो गया सारा, जो भी ओल्ड वाला है या गले का हो गया जो भी, सारा कुछ निकाल लिया है। इस बार हमने फूल वगैरह कुछ नहीं किया है। और ये रहा देख सकते हैं, ये प्लास्टिक वाला है सोन पापड़ी जिसमें था, उसको भी हमने यहाँ पे ला के रख दिया है और पानी भर दिया है। और ये रहा देख सकते हैं, ये वाला बाउल में वाटर बॉल रखा है, ऐसे पानी में इतना पता नहीं चल रहा है, ऐसे निकाल के देख रहे हैं तो सही दिख रहा है। और यहाँ पर कटोरी में थोड़ा सा रखा है, और कांच बोतल जेम बोतल था उसमें रखा है थोड़ा सा पानी, और एक ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट मिला था वो भी खाली कर दिया था, तो यही सब रखा है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये सब बना ले रहे हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पन्नी जो है काट ली थी, और पन्नी को ना मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटा पीस कट किया था स्क्वायर में, थोड़ा बड़ा साइज करना चाहिए था और थोड़ा छोटा ही कर लिया था, तो कुछ कुछ में ना क्रॉस हो रहा था और गिर रहा था, मतलब जला रहे थे ना तो बत्ती जो है गिर रहा था, सही से नहीं बैठ रहा था। अगर सीधा सीधा बैठ जाता है ना तो सही से जलता है ऐसे। और थोड़ा बहुत धूप बत्ती भी मैंने सही से नहीं फैलाया था, कुछ कुछ मोटे थे, कुछ कुछ ऐसे पतले थे, नीचे जो होता है ना वो थोड़ा सा फैला हुआ होना चाहिए ताकि सही से बैठ जाए पानी के ऊपर, पानी में डुबाओ तो अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पर डोली परी दोनों कब से पूछ रहे थे, मम्मी आप इस बार
वाटर वाला कैंडल नहीं बना रहे, बोल रहे थे कल परसों से ऐसे करेंगे करेंगे करके नहीं हो रहा था, तो चलो आज कर देंगे करके। यहाँ पर डोली पर ये दोनों ने आज ऐसे बहुत हेल्प किया है, और इन दोनों ना ऐसे पार्क पे ले जाओ बोल रहे थे शाम को, लेकिन काम था तो हम नहीं गए थे। ऐसे देखते हैं आज ले जाएंगे, नहीं तो फिर इन दोनों हेल्प नहीं करेंगे, आप पार्क नहीं ले जाते हो करके बहुत बोल रहे थे ऐसे पार्क जाने के लिए। थके हुए भी थे ऐसे, फिर थकान के बाद जो है काम करने करने का मन भी नहीं होता, इसलिए आज हम नहीं गए थे ऐसे। तो यहाँ पर इन दोनों जो भी ओल्ड सामान था, नेकलेस वगैरह गले का हो गया, जो भी पुराना रखा हुआ था वो सब सारा इसमें डुबा दिए हैं। ऐसे फ्रंट से इतना नहीं दिख रहा है, बैक से अगर कर रहे हैं ना तो क्लियर दिख रहा था। बच्चों को पकड़ने के लिए बोला लेकिन नहीं पकड़ेंगे बोल रहे थे, तो मैंने स्टैंड में लगा दिया है, तो थोड़ा अलग लग रहा है कलर। ये देख सकते हैं सब में मैं जला ले रही हूँ, कुछ कुछ ऐसे बुझ रहा था, वही क्रॉस हो गया था, कुछ कुछ तो सही जल गया था, ऐसे देर तक जला हुआ था। हस्बैंड जी भी बोल रहे थे अरे रात हो गया है अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, सो जाओ कर रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें जला लिया था। फिर उसके बाद जो है थोड़ा देर ही हमने जलाया, पूरा नहीं जलाया, ऐसे बाद में हमने बुझा दिया था। ऐसे एक ही में हमने कलर मिक्स किया, कलर मिक्स करके कर रहे हैं ना, तो जो भी हमने इसमें सामान रखा है शोपीस वगैरह, जो नेकलेस वगैरह है, जो भी माला वाला कुछ भी, तो वो ना नहीं दिख रहा था, तो हमने एक ही में कलर बोला है पिंक कलर, वो ऐसे पता नहीं चल रहा है। परी दोनों भी यहाँ बहुत गुस्स हो रहे थे, ऐसे जल रहा था तो, और कुछ कुछ गिर गया था वो सब मैंने दोबारा से जला दिया था। ऐसे क्रॉस होके जो है डूब गया था तो वो सब मैंने दोबारा से कर लिया था, और अच्छे लग रहे थे ऐसे। ये सब ना दिया वगैरह या डेकोरेशन करके नीचे या रंगोली बना के वहाँ कर दो तो ये अच्छा लगता है ऐसे। ये रहा देख सकते हैं बैक कैमरा से कितना अच्छा लग रहा है। और ये ट्रे बोलेंगे सन पोपड़ी जिसमें था उसमें और भी लगाने थे ऐसे, इसमें एक ही लगाया है, बुझ रहा था तो हमने छोड़ दिया था, क्रॉस हो गया था बत्ती। ये रहा कितना अच्छा लग रहा है ऐसे। प्लास्टिक वाला होता है ना गिलास वगैरह, उसमें भी आप कर सकते हैं, या तो छोटे छोटे कप वगैरह होते हैं ऐसे, ट्रांसपेरेंट वाला में ही अच्छा लगता है ऐसे। ये रहा दोबारा से जला लिया था, कितना सुंदर लग रहा है ऐसे। बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है ऐसे, बच्चे खुश तो हम भी खुश। और यहाँ पर डोली परी दोनों बहुत ही खुश हो रहे थे ये सब देख के, रहने दो मत बुझाना कर रहे थे, लेकिन रात भी हो गया था तो हमने बुझा दिया था। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।